अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको नंचक्स दिखाऊंगा तो आप पहचान लेंगे, तो आप चाहेंगे कि मैं उसे दिखाऊं? अगर मैं ना दिखाऊं और बोलूं नंचक्स दिखाऊंगा तो आप कह सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, और ना दिखाऊं बिल्कुल भी तो आप कह देंगे आप ही झूठा इंसान है। तो चलिए ये देखें आप, क्या ये इसे क्या कहते हैं, नंचक्स कहते हैं, नंचक्कू कहते हैं या कुछ भी कहते हैं। अब जब आपने इसको देखा, अगर आपको ये देखना हो कि इसको किसने बनाया तो आप कहाँ जाएंगे? जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, इसको किसने बनाया? आपको अगर आप बाहर निकलें घर से, बल्कि आप गूगल करें तो आपको पता लग जाएगा कि हु क्रिएटेड दिस नंचक्स, मतलब ये वाला नहीं, जो भी नंचक्स है। आप इवन शॉपिंग वेबसाइट्स पर चले जाएं, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स पर चले जाएं, तो आपको ऑनलाइन स्टोर्स पे पता लग जाएंगे ये नंचक्स कितने के मिलते हैं, किस किस टाइप्स के हैं, मार्शल आर्ट्स की कितनी किस्में हैं, और इनके अंदर कितनी फॉर्म्स होती हैं, और उसमें कहाँ कहाँ पे कौन से नंचक्स यूज़ होते हैं। ओके, क्लियर है ना? सिंपल चीज़ है, बड़ी आसान सी है। और आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी देख लेंगे, कंपनीज भी देख लेंगे, फिर इसके अलावा इसके ट्रेनिंग सेंटर्स भी मिल जाएंगे। वहाँ मार्शल आर्टिस्ट भी होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स में सिखा रहे होते हैं, कोई प्राइवेट भी सिखा रहा होता है, कोई प्राइवेट ट्रेनर होता है, कोई मार्शल आर्टिस्ट होता है, कोई बॉक्सर होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। इतनी सी चीज़ समझ में आती है हमें, हमारा दिमाग भी यहाँ काम करता है, ब्रेन सिस्टम से ही चलना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। हाँ यार, बात तो ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, ये तो बनाया ना किसी ने। तो यार खुद ही सोचो ना कि माँ के पेट के अंदर जब बच्चा तैयार हो रहा होता है, उसको कोई तो तैयार कर रहा है, उसकी प्रोडक्शन भी तो कोई कर रहा है ना। ठीक है, आप कहते हो कि वो खुदा कर रहा है, मैं भी कहता हूँ कि खुदा कर रहा है, इसमें तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है ना। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, हम चार जो मेजर यहाँ पे जो दुनिया के अंदर मजाहब के जो लोग हैं, इनमें इसमें तो किसी की लड़ाई नहीं है कि सभी मानते हैं ये कि जी खुदा ने ही बनाया ये बच्चे, और वही माँ के पेट में बना रहा होता है सूरतें और शक्लें बनाता है, फिर इनको बाहर निकालता है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, उनकी लड़ाई है जो कहते हैं कि खुदा नहीं है, उनका हम सबसे लड़ाई है, यहूदियों से भी, ईसाइयों से भी, मुसलमानों से भी, हिंदुओं से भी, किसकी, एथिस्ट की लड़ाई है, जो पूरा तबका खड़ा हुआ है इस बात पे, इस बात पे, इन खुदाओं को मानने वालों को मिटाने पे तुला हुआ है वो। तो अगर आप इसको देखना चाहें फिर समझने के लिए कि यार फिर लड़ाई कहे क्या आखिर, माँ के पेट में बच्चा कौन बना रहा है, बस इस चीज की डिसीजन डिसाइड करने की देर है, जो भी माँ के पेट के अंदर बच्चा बना रहा है वही है क्रिएटर। अब इसके बाद बाकी दुनिया के अंदर किताबें कितनी हैं, दावेदार कितने हैं, पेशवा कितने हैं, और भी कौन कौन क्या क्या कर रहा है, साइंटिस्ट कितने हैं, रिसर्चर कितने हैं, ये बाद में आएगा ना। ये सीधी सी बात है, जब नंचक्स देखने के लिए आप कहाँ पहुँचे? गूगल करोगे, सर्च करोगे, आपको पता लग ही जाएगा। सर्च करते रहो, अगर रिसर्च करनी नहीं आती तो आप सर्च करने की एक्सपर्टीज हासिल कर लें, स्किल सीख लें, हाउ टू सर्च, हाउ टू रिसर्च। तो जब आपको ये ढूंढना होगा कि बच्चा माँ के पेट में किसने क्रिएट किया, कौन क्रिएट कर रहा है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, और जो प्रोड्यूसर है उसका अता पता क्या है, उसका नाम क्या है, रहता किधर है, उसके पास ऐसी कौन सी कैपेबिलिटी है कि वो सारी दुनिया की सारी औरतों के पेट में जो जो भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनके अंदर वो एक वक्त, एक ही वक्त में बच्चे तैयार कर रहा होता है। किसी के पेट में एक बच्चा, किसी के पेट में दो बच्चे, किसी के पेट में तीन, किसी के चार, किसी के पांच, किसी के छः, किसी के सात, किसी के आठ, इवन दस दस, ग्यारह ग्यारह भी हो जाते हैं, पता नहीं कितनी कितनी दुनिया भर में न्यूज़ होती हैं अजीबो गरीब। कभी एक मुँह का बच्चा निकालता है, कभी दो मुँह के बच्चे बना के निकालता है। अजीब व गरीब किस्म की वो मखलूकात, यानी इंसानों में भी मुख्तलिफ क्रिएचर्स बनाता है, मुख्तलिफ टाइप्स के इंसान बनाता है वो। जैसे चरिंद, परिंद, दरिंद होते हैं, तो हर एक की मुख्तलिफ किस्में, जैसे बिल्ली को ले ले, शेर वाली टाइप, तो छोटी, सबसे छोटी उसको बिल्ली कहते हैं, फिर और बड़ा हो तो उसको उसी टाइप में कुत्ता भी है, उसी टाइप में शेर भी है, उसी टाइप में टाइगर भी है, तो आपको पता लगता है देख के। परिंदों में आपको शाहीन भी दिख रहा है, कबूतर भी दिख रहा है, चिड़िया भी दिख रही है, और मुख्तलिफ होगा ना, कीड़े मकोड़ों में भी ऐसा ही है, फलों पौधों में भी है। लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे, बजाय इसके कितनी सारी पखराड़ में पख में पड़ा रहे, क्या करना है इसका, पहले बच्चे का फैसला कर लें। तो इतियार जब मुझे एक बात बता दो, वो बच्चा जब माँ के पेट से बाहर आ रहा है और वो अपने मुंह से कह रहा है, वो कह जा रहा है, 1 मिनट से कम का टाइम मैं आपको बताऊं तो 30 सेकंड तक तो मिनिमम कह दिया बहुत सारे बच्चों ने कि अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब मुझे एक सवाल बताओ, अगर अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करता और अल्लाह ने इन सब बच्चों को क्रिएट नहीं किया, तो उन बच्चों के मुंह से अल्लाह बुलवाया किसने? और अगर राम, हनुमान, कृष्णा, विष्णु, जीसस
और इज़रा और दीगर जितने भी हैं जो पूरी गूगल की लाइब्रेरी में जो बताए जाते हैं, पूरी लिस्ट ऑफ नाम जो मैंने शेयर की हुई है इस हवाले से भी, और इवन गूगल पे सर्च करो मिल जाएगा, चैट जीपीटी यूज़ कर लो मिल जाएगा, आखिर उन्हें कौन बना रहा है। और दूसरी बात ये कि अगर दूसरे तमाम वो लोग जिन्हें गॉड समझ के पूजा पाठ की जा रही है, जिनके आगे माथे टेके जा रहे हैं, जिनके आगे उनके हवाले से उनके नाम पे चंदे खैरात और दूध बहाया जा रहा है और उनके नाम पे पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है, अगर ये क्रिएट कर रहे हैं, अगर ये एग्जिस्ट करते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये क्रिएट करते हैं ये दूसरी बात है। मिसाल के तौर पर मैं भी अपनी माँ के पेट से बाहर आया, आप भी अपनी माँ के पेट से बाहर आए, ठीक है, दुनिया के सारे इंसान जिस वक्त जो ज़मीन पर मौजूद हैं सब के सब अपनी माँओं के पेट से ही बाहर आए। कोई इंसान ये कह के साबित नहीं कर सकता कि वो डायरेक्ट चांद से ज़मीन पर उतर गया, वहाँ पैदा हुआ था और ज़मीन पर पहुँच गया, या मरीख पे पैदा हुआ था वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, नहीं। हम सबको पता है, हम अपनी आँखों से देखते हैं, अस्पतालों में देखते हैं, घरों में देखते हैं, अपनी माँओं में, बहन बेटियाँ वगैरह जो भी शादीशुदा हो जाती हैं सबको पता है, सारी खवातीन जानती हैं कि उनके पेट में ही बच्चा तैयार होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब किसी ऐसी दुनिया की बात हम करें जिसको आपको मैं बोलूं और आप उसे चेक ना कर सके तो समझ में आता है जो मैं कह रहा हूँ, ये तो चेक हो सकता है। आप अपने घर में अपनी वालदा से पूछें, अपने सिस्टर से पूछ लें, अपनी मोमानी फूफी चाची किसी से भी पूछ लें जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जिसके साथ आप फ्रेंडली हो, पूछ लें आज बच्चा कैसे आता है, गूगल कर लें, बल्कि ना पूछें उनसे, बेचारी शर्माएं, और वैसे ही अजीब सी बात है, आप गूगल करें, नहीं तो यूट्यूब पर जाके देख लें, अब तो खुल्लम खुल्ला सब कुछ पड़ा हुआ है, बच्चा कैसे तैयार होता है पेट में। अब मेरा सवाल ये है कि भाई के ये अगर वो लोग बना रहे हैं जो खुद माओं के पेट से बाहर निकले थे, हाउ कैन यू डू दैट?